खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साहब हम मजदूरी करने वाले आदमी हैं, धंधा करने के लिए गए थे हम, और धंधा हमारा चला नहीं, हम बैठे बैठे परेशान हो गए, खर्चा पानी हमारे पास था नहीं, तो फिर हमसे वहाँ से पैदल चल दिए, पैदल चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए हम, तो यहाँ से हम हमारे घर पे जाना था वहाँ, ये बात है साहब। और सरदार शहर चूरू जाना चाहते हैं, सरदार शहर गाँव तहसील हमारा चूरू जिला है, ढाणी दूधगर गाँव है हमारा। लॉकडाउन की वजह से अप्रवासी मजदूर लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं और लगातार इनके पलायन की खबरें पूरे प्रदेश से आ रही हैं। हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान ने बात की नारनौंद और रोहतक के आसपास ऐसे ना जाने कितने सैकड़ों मजदूर जो है वो पलायन लगातार कर रहे हैं हाईवे से, जिनको कि काम नहीं है और काम खत्म हो चुका है फैक्ट्रियों में या जहां भी वो काम करते थे। तो ऐसे अप्रवासी मजदूर हजारों की संख्या में हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रशासन भी प्रयास कर रहा है कि इन्हें रोका जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये रुक नहीं रहे हैं। ये मतलब समझ नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन का मतलब, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कि ये है कि हम दूर दूर रहें, लेकिन कहीं ना कहीं रोजी रोटी का जो है एक कह करके ये मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। हालांकि सामाजिक संस्थाएं इनकी मदद को आगे आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान ने इनसे बातचीत की, आप भी सुनिए कि क्या कुछ इनका तर्क है। बिजनौर से आ रहे हैं, बिजनौर से चले आज 23 तारीख ने, वहाँ चलते चलते थक गए पूरा, वहाँ काम तो हमारा रंग करने के लिए गया, वहाँ ये रोड़ा चल पड़ा, वहाँ खाने के लिए हमारे को कुछ भी नहीं मिला, भूख मरते मरते फिर वहाँ से हम चल पड़े, वहाँ कोई इंतजाम नहीं है हमारे को, कुछ भी को ले यहाँ से भग जाओ, यहाँ तो अब कोई इंतजाम नहीं है तुम्हारा, यूपी से आया हाँ, अब वहाँ ये कौन सा गाँव है जी, नारनौंद में पहुँच गए, अब इतना तंगिया को किराया भाड़ा खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचे हमारे पास, हम सरदार शहर जाना चाहते हैं, जिला है हमारा चोरू, तहसील सरदार शहर, गाँव कानड़वास की ढाणी है हमारा। क्या नाम है? जगदीश नाम है हमारा जी। कहाँ पहुँच गए सर? हम बिजनौर से चले थे यहाँ नारनौंद पहुँच गए, पैदल यात्रा करते करते कहीं तो प्रशासन की थोड़ी मदद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। कहाँ से चल के आए हो? सापला से आए हो, कहाँ कर रहे थे? कहाँ पे जाना है? बहराइच। बहराइच जाओ, कितने किलोमीटर पड़ता है? 600 किलोमीटर चलता है। लॉकडाउन है, घर से बाहर ना निकलने की सहूलियत, वो चेतावनी दी गई है, फिर भी आप लोग जा रहे हो, क्या बात है? क्या करें, वहाँ ठेकेदार था, वो भी भाग गया, क्या खाएंगे क्या रहेंगे? तो कोई साधन रोड पे नहीं तो कैसे जाओगे? पैदल पैदल चले जाएंगे। आपका क्या नाम है? सोहनलाल। आपको कहाँ जाना है? वहीं जाना। कहाँ पे? बहराइच। बहराइच जाओगे, पैदल ही जाओगे बहराइच? सर अगर मिलेगा साधन तो साधन से जाएंगे। क्या काम करते थे यहाँ पे? चिप्पड़ में हम लोग काम करते थे, लक्कड़ डाले। प्रदीप कहाँ से आए हो? रोहतक से। रोहतक से आए हो, क्या करते थे रोहतक में? कंपनी में काम। कंपनी में काम करते थे, फिर कंपनी बंद हो गई है तो अब आप वहीं रोहतक क्यों नहीं रुके? रोहतक कुछ सुविधा नहीं, खाने पीने कैसे रहूंगा? तो जब रोड पे भी कोई भी साधन नहीं है, कोई लॉकडाउन चला हुआ है, तो आप किस तरह जाओगे वहाँ तक? ऐसे यार हमारा निकलते रहेंगे, मैं पहुँचे जाएंगे एक महीने दो महीने में। अच्छा कितने किलोमीटर का रास्ता है? 300 किलोमीटर रोहतक से बढ़ता है 350। मुनेन्द्र। ऊंची आवाज से बोल भाई। मुनेन्द्र। मुनेन्द्र कहाँ से आयो? रोहतक से। क्या काम करते हो मुनेन्द्र? मैं कंपनी में काम करता हूँ। कहाँ पे जा रहे हो? अभी मैं बदायूं जा रहा हूँ। आप बदायूं जा रहे हो, किस साधन से जाओगे जबकि लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है? क्या करेगी सर, पैदल जाएगी। जब प्रशासन ने ये कहा हुआ आप घर से बाहर ना निकले, लॉकडाउन है, तो आप रोहतक ही क्यों नहीं रहे? रोहतक खाने पीने की सारी सुविधा खत्म हो गई, कमरा मालिक भी मना कर रहा था भाई पैसे दो जब ही मिलेगा, सब कुछ मना कर दिया, कमरे से निकाल दिया था। आप लोग कितने आदमी हो जो पैदल चल रहे हो? होंगे 20-22 करीब। 20-22 के करीब। श्याम मिश्रा, रोड रोड पैदल जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? सर बहाना तो राशन की व्यवस्था है, कमरा मालिक वो भी मना कर रहा है, जेब में पैसे नहीं, क्या करेंगे, जाएंगे पैदल। कितने किलोमीटर पैदल? यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर पड़ता है रोहतक से।
रोहतक से 350 किलोमीटर पड़ता है। कौन सा गांव आपका? बरेली, बरेली के पास में गया है और उससे 60 किलोमीटर आगे है बिलसंडा। यहाँ आपके साथ कितने साथी हो रहे हैं जो पैदल चल रहे हैं? 20-22 लोग हैं। इसे मजबूरी कहें या फिर कि हम अब यहाँ क्या करेंगे, चलो अपने घर निकल पड़ते हैं। ये सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। घर पर लॉकडाउन के दौरान रहने की जो सरकार एक अपील कर रही है उसकी देखिए किस तरह से तस्वीर आप देख सकते हैं, धज्जियाँ उड़ रही हैं। K9 मीडिया के लिए रोहतक से विकास ओहलान की रिपोर्ट।